देखिए बिल्कुल, ये हम इसका पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट ही बचा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। देर आर सम प्रॉपर्टीज, तो वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में उतर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये है, इसमें ऐसा होता है कि कोई फंक्शन अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका जो इन्वर्स आप निकालेंगे, इन्वर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका इन्वर्स भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन एफ इनवर्स ऑफ एक्स, उस फंक्शन का इन्वर्स किया आपने, फंक्शन का इन्वर्स भी होगा, एफ इनवर्स एक्स इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इनवर्स में ऐसा होता है एंड वाइस वर्सा, ठीक है, और डिक्रीजिंग अगर हुआ तो वो भी होगा। इफ इफ एफ एक्स एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, मीन्स इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखा दिया, देन इट इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स का जो डैश करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ डैश एक्स, देखिए ये फंक्शन का इनवर्स शो कर रहा है और उसका मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, तो ऐसा कर देते हैं, एफ इनवर्स है और उसका डेरिवेटिव है, सो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव लेस देन 0, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग है वो स्टेटमेंट मैथमेटिकल लिखा हुआ यहाँ पे, सॉरी ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो इस तरह से हो सकता है। सेकेंड बात, सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर कंपोजिशन फंक्शन करते हैं दो फंक्शन का, एफ एक्स और जी एक्स का, तो उसमें क्या होता है, ठीक है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड, ठीक है, ये दोनों फंक्शन ऐसे हैं एफ एक्स और जी एक्स कि आप इसके दोनों का कंपोजिट फंक्शन कर सकते हैं। ये मैंने एफ ऑफ जी एक्स लिखा है, दिस इज एफ ऑफ जी एक्स, कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स भी बनाया जा सकता हो और जी ऑफ एफ एक्स कंपोजिट फंक्शन भी यदि बनाया जा सकता हो। और अब हम देखते हैं कि जो मैं बात बता रहा था आपको कि एक इंक्रीजिंग हो दूसरा डिक्रीजिंग है तो कंपोजिट का क्या होगा, या दोनों इंक्रीजिंग है तो कंपोजिट का क्या होगा, तो इसमें भी एक और ये रिजल्ट लिखने होते हैं हमें। सेकेंड के रिजल्ट ये है कि इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसको हमने इंक्रीजिंग बताया, इसको इंक्रीजिंग बताया, देन इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ जी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड जी ऑफ एफ डैश एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो देखिए इस स्टेटमेंट को आप समझ लीजिए कि यदि एफ एक्स इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली और जी एक्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो उसका जो कंपोजिट फंक्शन बनाओगे एफ ऑफ जी एक्स, उस पे डैश लगा दिया है मैंने, इसका मतलब कि इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, सो एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन विल बी द इंक्रीजिंग एंड सिमिलरली जी ऑफ एफ एक्स दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और दूसरा पॉइंट इसमें आपको बताऊंगा, बिल्कुल प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट लिखता है, प्लस एक पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव एंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आती है, और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आती है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। उस बात को मैं अभी स्टेटमेंट लिख दूँ, उसके जस्ट बाद हम उसको भी क्लियर कर देंगे कि वैसा होगा। देखिए इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग है और जी डैश एक्स ये डिक्रीजिंग है, तो ये इम्प्लाई करेगा दैट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ जी डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, अगर एक इंक्रीजिंग हो दूसरा डिक्रीजिंग हो तो उनका कंपोजिट डिक्रीजिंग आता है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू नेगेटिव, सो दैट विल बी द नेगेटिव वैल्यू। तो एक अगर एक फंक्शन इंक्रीज, यानी कि हम ऐसा करेंगे, इंक्रीजिंग के लिए मान लीजिए पॉजिटिव साइन यूज करें
और डिक्रीजिंग के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करें तो भी वही बात चल रही है, जो प्लस एक पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी को प्रोडक्ट करने से होता है। चार तरह से कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ सीधा उठा के मैं वैसे ही लिख दूंगा एज इट इज़। देखिए ये इंक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग था, इसका कंपोजिट डिक्रीजिंग हो गया। एंड अगर इसमें दूसरा फंक्शन भी निकाला जाए, जी ऑफ एफ एक्स निकाला जाए, दैट विल ऑल्सो बी डिक्रीजिंग। तीसरी बात, इफ एफ डैस एक्स इज देख के इसको हम डिक्रीजिंग कर देते हैं, इसको हम इंक्रीजिंग कर देते हैं, ये इंक्रीजिंग हो गया, देन इट इम्प्लाइज दैट, देन अगेन इट इम्प्लाइज दैट द कंपोजिट फंक्शन विल बी द डिक्रीजिंग फंक्शन। सो दिस एफ डैस एक्स इज डिक्रीजिंग एंड दिस जी ऑफ एफ डैस एक्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। सो दिस इज देयर, ये डिक्रीजिंग है, एफ डैस एक्स नेगेटिव लिखने का मतलब ही यही होता है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, तो दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन है ये भी डिक्रीजिंग आएगा, ये दूसरा भी डिक्रीजिंग आए, एंड मतलब यदि आपने निकाला तो दोनों ही आएंगे फिर। है कोई जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हो उसमें जी ऑफ एफ एक्स के बारे में पूछ रहा हो, एफ ऑफ जी नहीं पूछ रहा है, तो हम बाई प्रॉपर्टी हम इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसा होगा, दोनों ही इस तरह से डिक्रीजिंग निकलेंगे, दोनों ही फंक्शन क्या आएंगे, मन से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे। अच्छा तीसरी बात देखो, ये मैंने इंक्रीजिंग कर दिया, इंक्रीजिंग कर दिया तो कंपोजिट बता दिया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर दिया तो बता दिया, और इसको मैंने डिक्रीजिंग इसको इंक्रीजिंग कर दिया तो बता दिया। अब लास्ट लिखने वाला हूँ मैं फोर्थ केस, इफ एफ डैस एक्स इज डिक्रीजिंग एंड जी डैस एक्स दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, both are the two decreasing function, when they are multiplied they makes the composite function to be the increasing function, to usme ye aisa ho jata hai ki f of gx f of g dash x ye bhi increasing aata hai, and jo aapka second hai g of f dash x ye bhi aapka increasing aata hai, ye dono hi function aapas mein increasing ho jate hain। to dekhiye ये इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, मोनोटोनोसिटी टेस्ट करने का आपको मेथड अब मालूम चल चुका है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली इसके बाद में जो है क्वेश्चंस पे उतरते हैं, और नेक्स्ट सेशन में मैं इसके बाद में जस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, वो आपको नेक्स्ट ट्रिप में मिलेगा।